टुडे आवर टॉपिक इज 4.9 एप्लीकेशन ऑफ हैंडशेक थ्योरम। इसमें सबसे पहले हम जो है ग्राफ को रिकॉल करते हैं। ग्राफ के बारे में जो हमने थोड़ा सा पढ़ा था पहले सेक्शन 1 में, चैप्टर 1 में, हमें पता है कि जी जो है वो ग्राफ होता है, ठीक है, और वी जो है उसका वर्टेक्स कहलाता है। वर्टेक्स मतलब जहाँ पे वो ज्वाइंट करते हैं ना दो पॉइंट, और डिग्री जो है वर्टेक्स बी की हम उसको डी ऑफ जी वी के नाम से देते हैं। और ये क्या हमें बताती है, डिग्री क्या होती है कि किसी पॉइंट के साथ कितनी जो है एजेस इंसिडेंट है, मतलब वो उसके साथ कितने एजेस लिंक आउट कर रहे हैं, ठीक है, उतनी उसकी डिग्री हुआ करेगी। और अगर कोई एज जो है वो सर्कल वाली फॉर्म में, लूप वाली फॉर्म में होगा, लाइक इस फॉर्म में ऐसे, तो उसको हम जो है ट्वाइस काउंट किया करेंगे, मतलब उसको दो दफा काउंट किया करेंगे। टोटल डिग्री ऑफ ग्राफ इज द सम ऑफ ऑल डिग्रीज फ्रॉम द वर्टेक्सेस ऑफ द ग्राफ, मतलब किसी ग्राफ का जो टोटल डिग्री हमने निकालनी हो तो सारे वर्टेसेस की डिग्री को हम सम किया करते हैं। जैसे हमारे पास ये देखिए एग्जाम्पल है, इसमें उसने कहा है फाइंड करें कि V1 की डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ V1, V1 जो वर्टेक्स है इसकी डिग्री कितनी है, इसके साथ एक एज जो है वो लिंक आउट है तो इसकी डिग्री 1 है। इसी तरह V2, इसके साथ कितने एजेस लिंक आउट है, 1, और ये 2, ये 3, और ये 4, 4 जो है वो एजेस लिंक आउट है इसलिए इसकी डिग्री कितनी है, 4 है। इसी तरह 3 को देखें, V3 को, इसके साथ 2 एजेस जो है वो लिंक आउट है इसलिए इसकी डिग्री 2 है। V4 को देखें, क्योंकि ये एक लूप लूप है ना, ये सर्कल लूप है, और साथ में एक ये भी एज इंक्लूड है, तो इसलिए लूप की 2 और एक ये मिला के 3 डिग्रीज की होगी। और सारी डिग्रीज को जब हम प्लस करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के इक्वल। तो इस ग्राफ की टोटल डिग्री क्या होगी, 10 है, ठीक है। इसी तरह से ये जनरल फॉर्म जो है इसकी हैंडशेक थ्योरम की, वो क्या है, इफ जी इज अ ग्राफ देन द सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टिसेस ऑफ जी इक्वल द ट्वाइस नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ जी, स्पेशली द इफ द वर्टिसेस ऑफ जी जी आर V1 V2 V3 अप टू सो ऑन VN वेयर N इज नॉन नेगेटिव इंटीजर देन टोटल डिग्री ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू G1 G2 G3 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे दो तरह से जो है एक्सप्लेन किया गया है टोटल डिग्री ग्राफ की, जो डिग्री एक ये मेथड जिसमें अभी हमने एग्जांपल में करके देखा कि हर एक वर्टेक्स के अलग अलग डिग्री लें और उसको सम कर दें, तो इस तरह से हम टोटल डिग्री ऑफ ग्राफ निकाल सकते हैं। या दूसरी मदद में हम ये कह सकते हैं कि हम नंबर ऑफ एजेस निकाल लें जी के और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये दोनों बात सेम इक्वली होती है, ठीक है। ये इसकी एप्लीकेशन है, थ्योरम इसका दिया हुआ है, ये भी आप इसको एक नजर देख लीजिएगा। क्वेरी है द टोटल डिग्री ऑफ अ ग्राफ इज इवन, मतलब जब भी हम जो है टोटल डिग्री निकालते हैं किसी ग्राफ की तो वो इवन होती है। टोटल डिग्री ऑफ जी इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ एजेस ऑफ जी विच इज एन इंटीजर, सो द डिग्री टोटल डिग्री ऑफ ग्राफ इज इवन। अभी ये इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जब हम टोटल डिग्री ऑफ ग्राफ निकालते हैं तो क्या होती है, 2 से मल्टीप्लाई हो रही होती है। हर ग्राफ जो है जितने भी नंबर ऑफ एजेस हैं वो किससे मल्टीप्लाई होता है, 2 से। जब 2 से मल्टीप्लाई हो तो कोई भी इवन ऑड नंबर भी इवन जो है वो बन जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि टोटल डिग्री ऑफ ग्राफ जो है इट मस्ट बी इवन नंबर। हाँ जी, यहाँ पे उसने कहा हुआ है ड्रा ग्राफ विद द स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज एंड शो दैट नो सच ग्राफ एग्जिस्ट, या तो ग्राफ कह रहा है इस तरह का जो है वो बनाए, या अगर नहीं बन रहा ग्राफ तो ये बताएं कि इस तरह का ग्राफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये फर्स्ट वाला देखिए, इसके जो है टोटल डिग्रीज 4 वर्टिसेस हैं, 1 2 2 4 हो गया, और 4 एंड 3 7 हो गया। 7 जो है ये हमारे पास जो है टोटल इसके वर्टिसेस हैं, अ ग्राफ विद 4 वर्टिसेस जिसकी डिग्रीज इतनी इतनी दी हुई है, ठीक है। अब इन डिग्रीज को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास 7 नंबर आ रहा है जो कि ऑड नंबर है, तो इसकी टोटल डिग्री जब हमने सम की तो वो इवन नहीं आई, इसका मतलब ये ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता, ओके। इसी तरह से सेकेंड ग्राफ को हम देखेंगे, ये डिग्रीज भी हैं, इनको प्लस करके पहले देखेंगे 1 2 5 एंड 3 8, इसका मतलब ये ग्राफ एग्जिस्ट करेगा। तो इस ग्राफ को हम बनाएंगे, इस ग्राफ को बनाने के लिए जो हमारे पास तरीकाकार है वो मुख्तलिफ है, 4 हमारे पास ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे उसने देखिए 1 1 जो है वो डिग्री होनी चाहिए, फिर 3 डिग्री होनी चाहिए और 3 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। इसको इस तरह से भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ये देखो यहाँ पे आप डिग्री जो है वो क्या है, 1 है, इसकी बी की भी डिग्री 1 है, जबकि हमारे पास जो है डी की डिग्री कितनी है, 3 है, और सी की डिग्री भी 3 है। इसी तरह यहाँ पे इसमें देखिए ए और बी की डिग्री 1 है,
सी और डी की डिग्री कितनी है, 3-3 है। इस ग्राफ में भी ए और बी की डिग्री 1 है, जबकि सी की हमारे पास 3 है और डी की भी हमारे पास 3 डिग्री है, और इसी तरह से यहाँ से भी। तो इनमें से कोई भी आप एक कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अगर आपको मोर देन 1 कहा हो तो फिर आप एक से ज्यादा भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर एक का कहा है तो आप इसमें से कोई एक कंस्ट्रक्ट करोगे, सारे नहीं कंस्ट्रक्ट करोगे। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन देखते हैं ग्राफ की, जो है, इज इट पॉसिबल इन अ ग्राफ ऑफ 9 पीपल फॉर ईच टू बी फ्रेंड विद एग्जैक्टली 5 अदर्स इन ग्रुप। हमने जो है वो ग्राफ को किसी दूसरे के साथ है ना, 5 ग्राफ नंबर के साथ में वो अटैच करके दिखाने, कह रहे कि ये कोई पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है तो के नहीं। तो हम यहाँ पे ये बता रहे हैं क्योंकि ये इम्पॉसिबल है फॉर ईच पर्सन इन अ ग्रुप ऑफ 9 पीपल टू बी फ्रेंड विद एग्जैक्टली 5 अदर पीपल इन अ ग्रुप, क्योंकि ये भी हमें थ्योरम से और इसे कोरोलरी से पता लगा कि इसकी टोटल डिग्री जो है वो 45 बन जाएगी, जो कि हमारे पास और नंबर होगा, इवन नंबर नहीं होगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इन 9 5 45 होता है ना, इस वजह से हम इसकी मल्टीप्लीकेशन देखेंगे। इन एनी ग्राफ देयर इज इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री, जैसा जो है हमारे पास ग्राफ जिसकी ऑड डिग्री हो उसके नंबर ऑफ वर्टिसेस इवन होंगे। इस तरह का कोई वो कह रहे हैं कि ग्राफ जो है वो बताएं, हम इसकी प्रपोजिशन जो है वो देख सकते हैं, किसी भी ग्राफ की वो बात कर रहा है, सॉरी ये चेक नहीं किया। इन एनी ग्राफ देयर इज एन इवन नंबर, अगर इवन नंबर है वर्टिसेस का तो उसकी ऑड डिग्री होगी। वर्टिसेस अगर इवन है तो डिग्री क्या हुआ करेगी, ऑड हुआ करेगी, ठीक है। अगर हमारे पास ये देखो हमने इवन जो है उसको भी कंस्ट्रक्ट कर लिया, ऑड को भी कंस्ट्रक्ट कर लिया, फिर टोटल डिग्री जो निकाली उसमें इवन और ऑड को प्लस कर लिया, ठीक है। अब प्रोलरी के अकॉर्डिंग ई जो है वो इवन नंबर है, सिंस ई इज 0 व्हिच इज इवन एंड ई इज द सम ऑफ इवन नंबर। नाउ सिंस अगर हम जो है वो ई और ऑड इसको इस तरह से लेंगे, ऑड नंबर हमें कैसे कैसे मिलेगा, टोटल नंबर में से इवन नंबर माइनस करके, ठीक है। तो जब हम इस तरह से माइनस करेंगे तो ओ भी हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा, इवन नंबर ही आ गया। हमें पता है किसी भी नंबर में से इवन नंबर माइनस करें, टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ डिग्रीज होते हैं ग्राफ का सम होता है वो भी इवन होता है और ये भी इवन है। हम इवन नंबर में से इवन नंबर माइनस करेंगे तो आंसर भी इवन नंबर आएगा, इसका मतलब ऑड नहीं हो। तो ऑड इज एन इंटीजर, सम ऑफ एन ऑड इंटीजर, बट इफ सम ऑफ ऑड इंटीजर इज इवन देन एन इज इवन, देयरफॉर एन इज इवन। हमारे पास जो एन होगा वो क्या होंगे, वर्टिसेस हैं, ठीक है। इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस हमें मिल जाए करेंगे फॉर ऑड डिग्रीज के लिए। ओके, अप्लाइंग द फैक्ट दैट द नंबर ऑफ वर्टिसेस विद ऑड डिग्री इज इवन, इज देयर अ ग्राफ विद 10 वर्टिसेस ऑफ डिग्रीज। देर अ ग्राफ विद 10 वर्टिसेस ऑफ डिग्रीज, डिग्रीज अगर हमारे पास ये हैं, इसके जो है हमने ये ग्राफ बनाना है जिसके 10 वर्टिसेस जो है वो बनानी है। तो इस प्रोलरी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास है ना टोटल डिग्री वो कितनी बन रही है, 29 बन रही है, तो ऑड नंबर है। अगर आप इसको क्लियरली देखें, उसने कहा है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस विद ऑड वर्टिसेस ऑड है और डिग्री जो है वो इवन है। अभी हमने ये जो रिसेंटली हमने की है क्वाड्री प्रपोजिशन, इट्स अ प्रपोजिशन जिसमें हमने देखा है वर्टिसेस क्या है, इवन है और डिग्री ऑड है। तो हमारे पास जो है यहाँ पे ऑड डिग्री और इवन नंबर की ही एक एग्जांपल ली है। अब वर्टिसेस यहाँ पे जो है वो भी इवन लिए जा रहे हैं और डिग्री के नंबर जो है वो भी इवन है। तो हम जब इसको सम करते हैं, सम जो टोटल हमारे पास वो इवन आ रहा है, तो हमारे पास ऐसा जो है इम्पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस प्रपोजिशन। और प्रोलरी अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज अगर काउंट करें तो वो भी इवन आ रही है, सॉरी ऑड आ रही है। तो हमारे पास जो है इससे भी टोटल नंबर ऑफ डिग्री से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। ऑड डिग्री का मतलब है इसकी नंबरिंग ऑड होनी चाहिए, मतलब ये 10 नहीं, ये 11 हो, 13 हो, 5 हो, 7 हो, इन काउंटिंग, ठीक है। जब इसका सम जो है उसकी बात नहीं की जा रही, और सम जो अब अगर हमारे पास ऑड आ जाता है तो वहाँ हम बिल्कुल क्लियरली कह देते हैं कि ऐसा हमारे पास ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है जिसकी टोटल डिग्री जो है ऑड आ जाती है, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख रहे हैं, हाउ मेनी पीपल अटेंडेड द मीटिंग। एक एग्जाम्पल दी है, कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं पीपल, 4 पीपल हैंड उन्होंने जो है एक दूसरे से हैंड शो किया, अदर पीपल पर्सन 6 पर्सन शो किया हैंड विद 2 अदर पीपल, और इन 6 ने बाकी 2 से जो है वो हैंड शेक किया, 2 पीपल शोक हैंड विद 3 अदर पीपल, द रेस्ट शोक हैंड्स विद 4 अदर पीपल, नो 2 पीपल शोक हैंड्स विद ईच अदर मोर देन वंस।
and the total of 23 हैंडशेक्स अकर हाउ मैनी अटेंडेड द मीटिंग, कितने पर्सन ने मीटिंग अटेंड की. हमने इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो एक जो है टोटल नंबर ऑफ ग्राफ यहाँ पे अटेंड लिख रही है. 4 पर्सन ने 1 के साथ मीट किया, 6 ने 2 के साथ जो है हाथ मिलाया, 2 पर्सन ने 3 के साथ हैंड मिलाया, और यहाँ पे बाकी जो रिमेनिंग मेंबर थे उन्होंने 4 पीपल के साथ हैंडशेक किया. अब इस सारी जो प्रॉब्लम है उसको हम जो है वो ले लेंगे और सॉल्व कर लेंगे. और टोटल उसने हमें जो है वो कितने हैंडशेक्स बताए हैं, 23 बताए हैं. तो टोटल डिग्री ऑफ ग्राफ यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके 46 फाइंड आउट कर लेंगे. अब इन दोनों इक्वेशंस को जो है इक्वल रखते हुए यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, डेट इज 6. इसका मतलब हमारे पास 6 पीपल जो है वो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, सॉरी 6 पीपल हमारे पास हैं जिन्होंने जो रिमेनिंग थे जिन्होंने 4 पीपल से हैंड जो है वो शेक किया. अब इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने के बाद टोटल हमारे पास जो आएंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट वो ये हैं 18. टोटल नंबर ऑफ पीपल विच आर अटेंडिंग द मीटिंग आर 18. उसी तरह से आगे आ जाते हैं स्पेशल ग्राफ की तरफ. सिंपल ग्राफ इज अ ग्राफ दैट डज नॉट हैव एनी लूप और पैरेलल एजेस. इन अ सिंपल ग्राफ एन एज विद एंड पॉइंट बी एंड डब्ल्यू इज डिनोटेड बाय बी डब्ल्यू. कुछ सिंपल ग्राफ्स की बात कर लेते हैं, जैसे जिस ऐसा ग्राफ जिसमें कोई लूप नहीं होती उसको हम जो है वो सिंपल ग्राफ का नाम देते हैं. ड्रा आल सिंपल ग्राफ विद द 4 वर्टिसेस यू वी डब्ल्यू एक्स. वर्टिसेस हमारे कहाँ पे आने चाहिए, इन पॉइंट्स पे आने चाहिए, ठीक है. और जो हमारे ब्रैकेट में ऐसे लिखे होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, वर्टिसेस का नाम देते हैं, ठीक है. जैसे ब्रैकेट में लिखे पहले हमने यू वी के साथ जो है वो बना लिया, उसके जो है सबसेट्स बना लिए. एंड टू एजेस, एजेस कितने हमने लेने हैं, 2 लेने हैं, और वर्टिसेस 4 लेने हैं. वन ऑफ विच इज यू वी, एक यू वी जो है कंपल्सरी ग्राफ बनाना है, यानी कि एज हमारा लाजमी होना चाहिए, यू और वी आपस में लाजमी होना चाहिए. एक वर्टिक्स और हम मिलाते जाएंगे. इस तरह से हमारे पास ये ऑप्शन बनते हैं जो कि हम जो है सिंपल ग्राफ बना सकते हैं इन वर्टिसेस के साथ और इन एजेस के साथ, ठीक है. एक एजेस ने कंपल्सरी यहाँ पे बताया था. अच्छा यहाँ पे उसने अब कहा है फाइंड वेदर सर्टेन सिंपल ग्राफ एग्जिस्ट, ऐसे ग्राफ एग्जिस्ट करने हैं, सिंपल ग्राफ विद 6 वर्टिसेस एंड 6 एजेस. 6 वर्टिसेस और 6 एजेस जो अगर हम लें तो 6 हमारे पास यहाँ वर्टिसेस हैं. अगर हम उसको देर इज नो सिंपल ग्राफ विद 6 वर्टिसेस एंड 6 एजेस, इसका प्रूफ जो है वो हम दे देंगे या काउंटर एग्जाम्पल दे देंगे या फिर हम जो है इसको ग्राफ को बना देंगे. तो यहाँ ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है. उसकी रीजन क्या है कि हमारे पास ये अगर ग्राफ है 6 वर्टिसेस हैं 6 एजेस हैं तो हैंडशेक जो हमारे पास थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग जी है 16 एजेस एंड इट्स टोटल, सॉरी 16 इट्स नॉट 6 16 एजेस हैं. तो इसके टोटल डिग्री कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है. और 32 को जब हम डिवाइड करते हैं 6 पे टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस पे, इवन तो ये हमारे पास एक इवन नंबर आया, यहाँ से नहीं हम कह सकते कि ये एक जो है ऑड नंबर आया तो इसलिए ग्राफ पॉसिबल नहीं है. इवन नंबर है ग्राफ, इसका जो है यहाँ तक हमारे पास टोटल डिग्री एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन हम अगर इसके वर्टिसेस पे इसको डिवाइड करते हैं तो ये रेशियो हमारे पास आती है. मतलब हम ऐसे कह सकते हैं ना 4 पीपल 5 पीपल, हम 4.5 पीपल को नहीं कह सकते ना. इसी तरह हम 5 into 1/3 जो है इतने वर्टिसेस तो नहीं ना कह सकते. वर्टिसेस या तो 1 होगा या 2 होंगे या 5 होंगे या 6 होंगे. 5 into 1/3 जो है वर्टिसेस हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है. इसकी भी रीजन उसने दी हुई है कि 4 वर्टिसेस है ऑफ डिग्रीज जिसकी डिग्री ऐसे ऐसे 1 1 3 3 दी हुई है. इसकी लॉजिक भी यहाँ पे उसने एक्सप्लेन की हुई है और इसको जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव भी किया हुआ है इस चीज को, कैसा हमारे पास है वो ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता. कंप्लीट ग्राफ क्या है, लेट एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर, अ कंप्लीट ग्राफ ऑन एन वर्टिसेस डिनोटेड बाय के एन इज अ सिंपल ग्राफ विद एन वर्टिसेस एग्जैक्टली 1 एज कनेक्टिंग ईच पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेस. हमारे पास एक ऐसा जो है वो एज होना चाहिए जो बाकी सारे पेयर्स के साथ कनेक्टेड हो रहा हो, ठीक है. जैसे हमारे पास में कंप्लीट ग्राफ, ये भी एक कंप्लीट ग्राफ है, ये K2 भी एक कंप्लीट ग्राफ है, K3 भी, K4 भी और K5 भी, ये सारे के सारे हमारे कंप्लीट ग्राफ्स हैं. उसमें देखिए हर वर्टेक्स जो है वो किसी न किसी एज के साथ मिला हुआ है, इसको हम कंप्लीट ग्राफ कहते हैं. द नंबर ऑफ एजेस ऑफ के एन, अगर हमारे पास कंप्लीट ग्राफ है तो उसके एजेस हम इस फॉर्मूला से फाइंड आउट किया करेंगे, n(n-1)/2, ठीक है. ये इसका प्रूफ आप रहने दीजिएगा, आप बस एक नजर उसको देख लीजिएगा, अदरवाइज ये आपके जो है वो उसमें इंक्लूड नहीं है. अब जो है कंप्लीट बाई पार्टाइट ग्राफ क्या होता है, लेट m एंड n बी अ पॉजिटिव इंटीजर्स, अ कंप्लीट बाई पार्टाइट ग्राफ
on M n vertices denoted by Kmn is a simple graph whose vertices are divided into two distinct subsets, V with M vertices and W with N vertices, in such a way that every vertex of Kmn belongs to one of V और W, but no vertex belongs to both V and W. कि हमारा जो ग्राफ है वो अगर इसमें से ना ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, जैसे हमारे पास एवरी वर्टेक्स जो हमारा ग्राफ का जो हर वर्टेक्स है वो एक वी में से हमने लेना है, ठीक है, वी हमारे पास जो है वहां से हम लेंगे वर्टेक्स और दूसरा हम डब्ल्यू से लिया करेंगे और एक आपस में नहीं वो मिला करेंगे. देयर इज एग्जैक्टली वन एज फ्रॉम ईच वर्टेक्स, हर वर्टेक्स के लिए एक एज होना जरूरी है वी का, और हर डब्ल्यू के लिए भी एक वर्टेक्स हमारे पास वर्टेक्स का एक एज होना जरूरी है, यानी कि उसके साथ कोई ना कोई लाइन मिल रही हो. देर इज नो एज फ्रॉम एनी वन वर्टेक्स ऑफ वी टू एनी अदर वर्टेक्स ऑफ वी, वी से वी पे मैपिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब वी का वी के साथ लिंक आउट नहीं होना चाहिए, डब्ल्यू का डब्ल्यू के साथ लिंक आउट नहीं होना चाहिए. इस तरह के जो ग्राफ होते हैं उसको बायपार्टाइट ग्राफ कहते हैं. यहाँ पे आप देखो वी के भी लिंक आउट हो रहा है डब्ल्यू वन के साथ भी, डब्ल्यू टू के साथ भी, इसी तरह इसका भी लिंक आउट हो रहा है डब्ल्यू वन के साथ डब्ल्यू टू के साथ, वी थ्री का भी डब्ल्यू वन साथ डब्ल्यू टू के साथ, लेकिन आपस में ना वी मीट कर रहे हैं ना डब्ल्यू. इसी तरह इसका जो है वी वन का तीनों के साथ लिंक आउट है, वी टू का भी तीनों के साथ लिंक आउट है, वी थ्री का भी तीनों के साथ लिंक आउट है. तो ये एम एन इसको नाम दिया जाता है. यहाँ पे हमारे पास कितने जो है वो वर्टेक्स हैं, थ्री हैं और इस साइड पे टू है, तो इसको एम एन थ्री टू का नाम दिया, इसको थ्री थ्री का नाम दिया. इस तरह के जो ग्राफ है उसको कम्प्लीट बायपार्टाइट ग्राफ का नाम दिया जाता है. एक्सरसाइज में देखिएगा इनमें जो है वो नंबर ऑफ एजेस उसने यहाँ पे फाइंड आउट करने को कहा है, और इसमें यहाँ पे कहा है कि एक ग्राफ है जो जिसकी डिग्री जितनी इतनी है, हाउ मेनी एजेस डज द ग्राफ हैव, इसके एजेस कितने बनेंगे वो हमने बताना है. ये थ्योरम जो है क्रोलिस थ्योरम जो अभी आपको ऊपर बताए गए हैं वही यहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं, और यहाँ पे इनके ग्राफ्स हैं वो आपने ड्रा करना है अगर पॉसिबल है, अगर नहीं पॉसिबल तो उसकी रीजन बता देनी है. सिमिलरली जो है यहाँ पे हमारे पास बाइपार्टाइट ग्राफ जो है उसकी जो है वो रिजल्ट कह रहा है शो करके दिखाएं कि ये इससे लेस देन या इक्वल आता है या इतना आंसर आता है. इसी तरह से बायपार्टाइट ग्राफ की एग्जाम्पल्स कुछ नहीं हुई है, तो इनके बारे में वो पूछ रहे हैं कितने वर्टिसेस और कितने एजेस हैं, और ये सारा इसकी जो है कंप्लीट एक्सरसाइज है.